जैसे ही मौसम बदलता है दोस्तों, छोटे बच्चों को भी सर्दी खांसी जुखाम बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। तो मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे नुस्खे शेयर किए हुए हैं बड़ों के लिए, तो उस पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बच्चों को दे सकते हैं क्या ये नुस्खा। तो बड़ों के जो नुस्खे होते हैं ना, वो बच्चों को देना सही नहीं रहता है, इसलिए आज मैं आपके साथ स्पेशल नुस्खा शेयर कर रही हूँ बच्चों के लिए। पहले भी मैंने एक दो नुस्खा शेयर किया हुआ है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी जिनके आगे बड़ों का वीडियो आता है तो उसमें कमेंट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो बच्चों के लिए नुस्खा शेयर कर रही हूँ, इसको देकर आप बच्चों का जो सर्दी जुखाम की समस्या है, जो अभी खासकर सर्दियों के मौसम में बच्चों को परेशान करती है, तो बिल्कुल छुटकारा दिलाएगा दोस्तों। चाहे बच्चों को सर्दी खांसी जुखाम कैसा भी हो, बिना दवाई के इन नुस्खों से एकदम बढ़िया फायदा हो जाता है। ये जो नुस्खा है साल भर के ऊपर के बच्चों को दे सकते हो, उससे छोटे बच्चों को आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं लगता है, कई बार चेक करके ही पता लगता है बच्चे को क्या समस्या है। तो साल भर से ऊपर के बच्चों को आराम से दे सकते हो। मेरे पास जो कमेंट आते हैं, साल भर के बच्चे, 2 साल के, 3 साल के, इस तरह से कमेंट आते हैं, तो मुझे बार बार लिख कर बताना पड़ता है, इसलिए मैं आपके साथ आज नुस्खा शेयर कर रही हूँ। तो नुस्खा है साल भर के ऊपर के बच्चे, 4-5 साल तक आप इसे देकर बच्चों को ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो इस नुस्खे के लिए आपको सबसे पहले लगेगा यहाँ पे अदरक। अदरक जो होती है ना, ये बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है, और जिनको भी जैसे जुखाम खांसी की समस्या होती है तो उसको भी एकदम ठीक करती है, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप इसका उपयोग करके बच्चों की सर्दी खांसी जुखाम से छुटकारा दिला सकते हो। तो अदरक आपको लेनी है, अदरक इतनी ले लेनी है कि इसके अंदर कम से कम 3 से 4 चम्मच रस निकल कर आए। थोड़ी सी बड़ी अदरक लेनी है, अदरक को धोकर साफ कर लेना और फिर इसको ग्रेटर से ग्रेट करना। ग्रेट करने के बाद में आप इसे कॉटन का साफ सुथरा कपड़ा लेना और उसकी पोटली बनाकर इसका पूरा रस निकाल लेना। इसको दबाकर आपको 3 से 4 चम्मच रस मिल जाएगा। 3-4 चम्मच रस जो है ये आप 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। ख़राब नहीं होता है अदरक का रस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रोज़ निकालेंगे तो निकालना मुश्किल होता है अदरक का रस, इसलिए आप छोटी सी अदरक लेकर थोड़ी सी ज़्यादा और उसको एक साथ निकाल कर और एक कांच के कप में या छोटा कोई भी बोतल हो उसमें भर के रख लेना और रोज़ाना इस तरीके से इस्तेमाल करना। जाना आपको ये नुस्खा 1 चम्मच अदरक के साथ में ताज़ा बनाना है और इसका इस्तेमाल आप दिन में 3 बार करेंगे दोस्तों बच्चों को देने के लिए। तो आप क्या करें, जैसे आपने 3-4 चम्मच रस निकाल लिया, उसको बाकी को ढककर रख दें और पहले दिन 1 चम्मच रस लें और उसमें आप बाकी की जो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ वो ऐड कर लें और उसको 3 टाइम दिन भर में आप दे सकते हो। इसी तरीके से दूसरे दिन भी आपको 1 चम्मच अदरक का रस निकालना है और उसके अंदर बाकी का जो आप यहाँ पे इसके अंदर मिक्स करेंगे वो हमारे पास शहद है दोस्तों। जैसे पहले दिन आपने 1 चम्मच अदरक का रस लिया तो उसमें आप 2 चम्मच शहद मिक्स कर लेना और वो टोटल 3 चम्मच के जितना बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करना और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर को और 1 चम्मच शाम को सोने से पहले 3 बार आपको दे देना है, साल भर के ऊपर के बच्चे के लिए है दोस्तों। इसी तरीके से दूसरे दिन 1 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच शहद मिक्स करना और फिर इसको दे देना। अगर बच्चे को कफ जमा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कफ की समस्या है, तो आप इसके अंदर जो है ना काली मिर्च का पाउडर बना के रख लेना और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लेना 1 चम्मच में। फिर जैसे 1 चम्मच अदरक का रस, 2 चम्मच शहद लेंगे तो उसमें आप एक साथ ही 3-4 चुटकी जो है काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर ले और उसको अच्छे से मिक्स करके और फिर दिन में 1-1 चम्मच आप दे सकते हो। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और 1 चम्मच तुरंत भर के इसकी 1 चुटकी पाउडर मिलाकर भी आप दे सकते हो दिन में 3 बार। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जितना भी कफ होता है वो पूरा बाहर हो जाता है। अगर कफ की समस्या नहीं है, सिर्फ सर्दी जुखाम परेशान कर रहा है, तो आप सिर्फ अदरक का रस और शहद दिन में 3 बार दें और लगातार 3 दिन तक आपको देना है दोस्तों। इसी तरीके से आप कंटिन्यू करना। बच्चे को ठंडी चीज़ें वगैरह खाने के लिए, पीने के लिए बिल्कुल भी ना दें, हल्का गर्म गर्म ही उन्हें खाने पीने के लिए दें। अगला जो नुस्खा है ये है हमारे पास दोस्तों, ये भी बच्चों के लिए ही पूरा वीडियो है, तो बच्चों के लिए नुस्खा आपको बता रही हूँ। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे वो भी यहाँ पर आप ध्यान से सुने दोस्तों। एक तो आपको क्या करना है, हल्दी से आपको भाफ देनी है बच्चे को। एक तो आप पानी के साथ में मिक्स करके हल्दी बॉईल करके भाफ दे सकते हो और दूसरा आप इसको सूखा तवे पे डालकर हल्दी को, 1 चम्मच हल्दी को, और उसको गर्म करना अच्छे से चलाते हुए चारों तरफ, और उसमें से जो धुआं निकलेगा ना
उसकी वाफ भी आप बच्चे को दे सकते हो। तो दो तरीके से स्टीम दे सकते हो बच्चे को दोस्तों, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप इसमें अपना सकते हो, जिससे आपको आसानी लगे अपने बच्चे को बाफ देने के लिए। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। जब हल्दी को आप तवे पे गर्म करते हैं तो थोड़ी सी देर के बाद में इसमें से धुआं निकलता है और खुशबू सी आती है हल्दी जलने जैसी सी, तो आप जो है ना इसकी स्टीम दे सकते हो, या फिर आप जैसे पानी में इसे बॉईल करके और उसकी स्टीम दे सकते हो। जैसे आपको सही लगे वैसा तरीका आप अपना सकते हो। ये नुस्खा भी आपको 3 दिन तक लगातार करना है, 3-4 दिन जब तक आप पिलाने वाली दवाई बच्चे को देंगे, जब तक आपको ये भी आजमाना है दोस्तों। और इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, बच्चे को स्टीम देना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप स्टीम नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को, तो आप ये अगला वाला जो तरीका है ये अपना सकते हो। ये आपके लिए भी आसान होगा और बच्चों के लिए भी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है सरसों का तेल। इसके लिए सरसों का तेल ही आपको लेना है, या फिर जैसे तिल का तेल होता है ना वो ले सकते हो, लेकिन सरसों का तेल सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, तो आपको सरसों का तेल ले लेना है। कितना लेंगे आप, एक बार में 1 बड़े चम्मच के जितना, जो सब्जी बनाने वाली चम्मच होती है उतना तेल आप ले लेना। अगली जो चीज़ है इसके साथ में लेने वाली वो है लहसुन दोस्तों। सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, और लहसुन जो होता है ना ये भी सर्दी जुखाम में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। जिनको बहुत ज़्यादा कफ भी हो जाता है उसको भी निकालने में ये बार मदद करता है दोस्तों। तो आपको 5-6 जो निकाल लेने कली में से लहसुन के, उसका छिलका हटाना और उसको हल्का सा काट लेना आप, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है, और फिर आपको डालना है तेल में, तेल के अंदर। और इसको है ना आप या तो एक कटोरी में बना लेना, स्टील की कोई कटोरी हो छोटी उसके अंदर बना लेना, या फिर साफ सुथरी कढ़ाई ले लेना उसके अंदर बनाना। ध्यान ये रखना बच्चे को लगाना है तो कढ़ाई जो होती है उनमें तीखापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से साफ करने के बाद में ही आप बनाना, या फिर सीधा सीधा कोई भी स्टील की साफ सुथरी कटोरी लेना एक, और उसके अंदर इसको अच्छे से बॉईल करना। जब तक बॉईल करना जब तक कि लहसुन जो है वो पूरा अच्छे से ब्राउन कलर का हो जाए, उसके बाद में गैस बंद कर देना और उस तेल को रख लेना ढककर, और रोजाना हल्का सा गुनगुना करके उसी तेल से बच्चों की मसाज करना दोस्तों। मसाज कैसे, जैसे हाथों की हथेलियां हैं, पैर के तलवे हैं, कमर है और छाती वगैरह है, तो इस तरीके से आपको बच्चों को अच्छे से हल्के हल्के हाथों से तेल लगाकर थोड़ा सा मसलना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को सर्दी जुकाम से जल्दी राहत मिलती है बच्चे को, और आराम भी मिलता है। जैसे क्या होता है जुकाम वगैरह होता है ना, तो पूरा शरीर में ऐसे लगता है जैसे थकावट सी हो जाती है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं और बुखार के जैसा लगने लगता है, तो उस तरह की समस्या से भी जल्दी छुटकारा मिलता है। और लहसुन बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देती है, इन्हें आप आसानी से बच्चों को दे सकती हो दोस्तों। लेकिन ध्यान ये रखना जब भी देने लगे लगातार देना और ज़्यादा मात्रा में ना देना। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।